हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विपिन। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 4G नेट हमारे फ़ोन में कभी कभी क्यों नहीं चलता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, आपको वन बाय वन बताऊंगा। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा नेट ऑन है या नहीं है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मोबाइल डेटा ऑन है, और इसके बावजूद मैं अभी यहाँ पे YouTube चलाता हूँ, तो मैंने YouTube ऑन कर लिया है दोस्तों। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेट ऑन होने के बावजूद भी मेरा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं चल रहा है दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है? कई बार बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, और सबको ही होती है ये। ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये हर किसी के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें फ्लाइट मोड में जाना है, एरोप्लेन मोड में। इसे ओके कर देंगे, ठीक है। कम से कम 10 सेकेंड तक हमें इसे ऑफ रखना है, और 10 सेकेंड बाद हमें इसे ऑन कर देना है। जैसे हम इसको ऑन कर देते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे नेट चलाने का। अभी भी बहुत ही स्लो ये ऑन हो रहा है, और ये देखिए दोस्तों सारे डाउनलोड्स वाले आ गए हैं, मतलब नेट नहीं चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। तो क्या किया जाए, क्यों नहीं चल रहा है नेट? चलो एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। सेटिंग में जाइए, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद अपनी सिम सेटिंग में जाना है, ड्यूअल सिम एंड सेक्युलर नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क, एंड देन जो भी सिम में आपके नेट है उस पर हमें प्रेस करना है। सपोज्ड मेरे सिम 1 में नेटवर्क है, तो मैं इसे 1 कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो रखा है, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। इसमें हमने 3G कर रखा है, इस वजह से ये नेटवर्क नहीं चल रहा है। कई बार बच्चे छेड़ देते हैं, और आपको पता नहीं होता है कि यार हमारे फ़ोन को हो क्या गया है। सुबह तक तो ठीक चल रहा था, या फिर शाम तक ठीक चल रहा था, अभी क्या हो गया है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने सिम कार्ड में आना है। जो भी सिम में आपके डेटा है, नेट पैक है, उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करेंगे, और यहाँ चेक करेंगे कि 4G में है या नहीं है, ठीक है। तो मेरा अभी 4G में नहीं है, इस वजह से नेट नहीं चल रहा होगा, तो मैंने ये 4G में कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं ट्राई करता हूँ, फिर से नेट चलाता हूँ। एक तो ये है दोस्तों, एक तरीका तो ये है कि इस तरह से हम अपना नेट ठीक कर सकते हैं। हमने सिंपल से क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ड्यूअल सिम एंड सेक्युलर पे जाना है, सेलुलर नेटवर्क पे जाना है, और उसके बाद हमें यहाँ से सिम सेलेक्ट करना है। मेरा सिम है 1, और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख पा रहे होंगे, डेटा रोमिंग। ये डेटा रोमिंग हमेशा ऑन होना चाहिए, कई बार ये ऑफ़ हो जाता है किसी कारणवश, तो हमें इसे क्या करना है, ऑन करना है, ठीक है। ये चीज़ ऑन होनी चाहिए, और नीचे 4G होना चाहिए। तीसरी बात, एक्सेस पॉइंट नेम, कई बार ये हमारा ख़राब हो जाता है, तो इसमें हमें क्या करना है, क्लिक करिए। और अगर यहाँ पर एयरटेल, सपोज आपका एयरटेल का सिम है, अगर यहाँ पर एयरटेल GPRS नहीं लिखा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, रिसेट करना है, ठीक है दोस्तों। इसे रिसेट करेंगे। रिसेट करने के बाद क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर GPRS एक्सेस पॉइंट नेम होता है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फिल हो जाता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो, हमें वहाँ पर रिसेट कर देना है। एक ये होती है वजह, दूसरा होता है हमारा नेटवर्क कौन सा हमने चूज़ किया है, और तीसरा होता है डेटा रोमिंग। अगर डेटा रोमिंग बंद होगा, तो आप अच्छी स्पीड वाली नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाओगे, अच्छा स्पीड नहीं आएगा आपके फ़ोन में, कहने का मतलब ये है। और अगर ये सब ऑन है, ये सब ठीक है, आपके फ़ोन में 4G भी दिखा रहा है, यहाँ भी 4G दिखा रहा है, और डेटा रोमिंग भी ऑन है, और एक्सेस पॉइंट नेम भी बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक कहीं पर भी नहीं है, फिर भी अगर नेट नहीं चलता है दोस्तों आपका, तो आपको क्या करना है, अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना है।
चाहे वो जियो का छोटा फ़ोन हो चाहे वो कोई भी ब्रांड का फ़ोन हो, अपना फ़ोन रिस्टार्ट करोगे और रिस्टार्ट करने के बाद जब आप ट्राई करोगे दोस्तों, तो आपका नेटवर्क अच्छी स्पीड में चलने लग जाएगा। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, हमारा नेट काफ़ी टाइम से ऑन होता है, हम सुबह से लेकर शाम तक अपना डेटा ऑन रखते हैं, इस वजह से भी क्या होता है दोस्तों, हमारा डेटा स्टक हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, फ़्लाइट मोड में जाना है और उसे ऑन ऑफ करना है 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक इसे ऑफ़ रखिए, फिर ऑन करिए। और जो भी मैंने बताया आपको, अगर इन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप में आपके फ़ोन में नेटवर्क अच्छी स्पीड से चलने लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।